अशोका गार्डन पुलिस ने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर की शिकायत पर अस्पताल संचालक पर रेप, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। महिला डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने अपना धर्म छिपाकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। इसके बाद उनका यौन शोषण किया गया और आपको बता दें, शादी की बात पर वह इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाने लगा। धर्म परिवर्तन करने से इनकार करने पर वह शादी से मुकर गया। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में लव जिहाद का मामला सामने आया है। महिला डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने अपना धर्म छुपाकर उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। इसके बाद उनका यौन शोषण किया। आपको बता दें, उसका यौन शोषण किया गया और इसके बाद धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा। आरोपी डॉक्टर के साथ मारपीट भी की गई और इसके साथ ही उसके खरीदे गए अस्पताल के जाली दस्तावेज बनाकर अपने नाम करा लिया। फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर की शिकायत पर अस्पताल संचालक पर रेप, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सर, अशोकानंद थाना क्षेत्र के अंदर धर्मांतर का मामला सामने है, क्या कुछ मामला है सर? जी, एक फरियादिया ने थाने में आकर रिपोर्ट की थी कि इन दो लोगों के पार्टनरशिप में एक हॉस्पिटल चलता है जहाँ पर BAMS और फिजियोथेरेपी का काम होता है। इन लोगों के बीच में पार्टनरशिप काफ़ी पुरानी है। दोनों लोगों ने दो संस्थान बना के रखे हुए हैं, एक अशोका गार्डन में और एक टीटी नगर में। और फरियादिया ने यह बताया कि दोनों के बीच में संबंध काफ़ी लंबे समय से हैं, पर उसको कभी भी इस बात की, उसके पहले तक ये इस चीज़ की वो नहीं हुई, धमकी नहीं हुई कि वो धर्म परिवर्तन करेगी तभी उसकी शादी होगी। रिसेंटली जब उसने शादी की बात करनी शुरू की तो इसमें जो आरोपी हैं उससे ये दबाव पड़ा कि जब तक वो धर्म परिवर्तन नहीं करेगी तब तक ये शादी नहीं होगी। फिर ये काफ़ी लंबे समय से दोनों में विवाद चल रहा था। तो इस संबंध में जब उसने थाने पर आकर रिपोर्ट की तो हमने रिसेंटली जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट इनेक्ट किया गया है उसके अंतर्गत ये एक धारा 3 और 4 में कायमी कर ली है। फिर कितने समय से उसको दबाव बना रहा था धर्म परिवर्तन के लिए, वो क्यों बना रहा था, क्या शादी अभी तक नहीं, साथ में लिविंग रिलेशन में रह रहे थे अभी तक? लड़की का ये कहना है कि काफ़ी कुछ समय तक तो उसको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि लड़के का धर्म क्या है, वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थी। लेकिन जब हमने पूरी विवेचना की तो उसमें ये बात समझ में आई कथन में कि पिछले कुछ समय से, करीब 6-7 महीने से दोनों में शादी को लेकर विवाद चल रहा है और विवाद का जो मुख्य कारण है वो यही है कि लड़के द्वारा दबाव डाला जा रहा था। इस संबंध में जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और न्यायालय में पेश कर दिया गया।